हेलो दोस्तों, मैं तपन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी डाले हो तो यहाँ पे आपको जो सिलेबस दिया गया है कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, तो इसी टॉपिक में हम बात करेंगे। तो छोटा सा वीडियो होगा, वीडियो को एंड तक देख लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर हमारे चैनल पर नया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे लाता रहता हूँ रेलवे के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन और सारे आपकी प्रिपरेशन प्रोसेस। तो दोस्तों, हम बात कर लेंगे एग्जाम का क्वालिटी जो है। एग्जाम दोस्तों ऑनलाइन सीबीटी होगा। सीबीटी क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स में आएगा, टोटल 25 क्वेश्चन आएगा। उसके साथ आपकी जनरल साइंस आएगा, 30 क्वेश्चन आएगा, और जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग बोलते हैं उसमें 25 क्वेश्चन आएगा, और जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर आएगा वो 20 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो इस तरीका में आपको टोटल क्वेश्चन आएगा 100 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको टाइमिंग रखा जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन का सारे आंसर देना है। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन, वो कहाँ से कौन सा चैप्टर से आएगा 25 क्वेश्चन। और दोस्तों मैं यहाँ पे पूरा चैट प्रिपेयर किया हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम से कितना आएगा, बर्मस से कितना आएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ दोस्तों। तो आपको थोड़ा एंड तक देख लीजिए, आपको पूरा चीज पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर से कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन आएगा। 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे नंबर सिस्टम आएगा 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, बर्मस आएगा 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, और डेसिमल फ्रैक्शन आएगा 1 से 2 क्वेश्चन, एवरेज आएगा 1 से 2 क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ आएगा 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आएगा, और टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आएगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन आएगा। मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रॉफिट लॉस से भी दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है, एल्जेब्रा से 1 क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री से 1 क्वेश्चन आएगा, एज कैलकुलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, एज कैलकुलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, और कैलेंडर क्लॉक से भी 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, और एवरेजली तो और दूसरे कोई बचा है तो वो 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। अभी दोस्तों बात कर लेंगे जनरल इंटेलिजेंसी का सिलेबस। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंसी का क्या 25 मार्क क्वेश्चन रहेगा आपको। 25 मार्क में क्या क्या आएगा दोस्तों? एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, अल्फाबेट सीरीज एंड नंबर सीरीज से 2 से 4 क्वेश्चन आएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, सिलोलिज्म से 1 क्वेश्चन आएगा, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे और सारे दोस्तों जितना भी है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है, एनालिसिस रीजनिंग से आएगा, क्लासिफिकेशन से आएगा, डिरेक्शन से आएगा, और स्टेटमेंट से आएगा दोस्तों 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। इस ये देख सकते हो, आप भी पढ़ लीजिए इसको, जो भी आपकी आपके लिए यूजफुल है, जो भी आपको अच्छा आता है तो उसके ऊपर तैयारी कीजिए, और जो मैं परसेंटेज जो पता दिया ये सारी को आपको ध्यान रख के पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात कर लेंगे जनरल अवेयरनेस जो है। जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर बोलते हैं। यहां पे करंट अफेयर कितना क्वेश्चन आएगा दोस्तों? करंट अफेयर 20 क्वेश्चन आएगा। 20 क्वेश्चंस को आपको करंट अफेयर को दोस्तों क्लिक करना पड़ेगा, बहुत इजीली क्लिक हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चन आ सकता है, स्पोर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमी से आएगा 2 से 3, पॉलिटिक्स से आएगा 2 से 3, करंट अफेयर से दोस्तों 8 से 9 क्वेश्चन आ सकता है, और ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है, हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों साइंस के बात करें तो जो जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएगा। जनरल साइंस को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिजिक्स से आएगा 5 से 6 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री से आएगा 4 से 5 क्वेश्चन, बायोलॉजी से आ सकता है 6 से 7 क्वेश्चन। इससे भी थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि साइंस से यहाँ पे
30 मार्क का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। 30 मार्क को आपको इसी फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी से ही आएगा 30 मार्क। उसके बाद दोस्तों पीटी आपको पता होगा, अगर आप रिटर्न क्लियर कर रहे हो उसके बाद आप एलिजिबल होगी पीटी के लिए दोस्तों। ये था छोटा सा इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा और किस सब्जेक्ट से आपको इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, ये सारे छोटा सा इंफॉर्मेशन था दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।